गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे थे भारत की औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत पढ़ा हमने कि स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत आजाद हुआ तो पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948, दूसरी औद्योगिक नीति 1956, तीसरी औद्योगिक नीति जो महत्वपूर्ण है 1980 और नवीन औद्योगिक नीति 1991 जिसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नई औद्योगिक नीति है ये मुख्य रूप से आर्थिक सुधारों के अंतर्गत आर्थिक सुधार इसमें क्या किया था, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण किया, ग्लोबलाइजेशन किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए या FDI के लिए पूंजी निवेश के लिए ओपन कर दिया था। यहाँ तक पढ़ लिया। जो नए आर्थिक सुधार हुए 1991 में उसमें सबसे अधिक परिवर्तन कायम हुए औद्योगिक नीति के अंदर। क्या बोला, औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत हुए थे। इसमें हमने देखा रुपए का अवमूल्यन पड़ा करने, रुपए का अवमूल्यन क्या होता है, दिनेश आपको नहीं पता रुपए का अवमूल्यन क्या होता है, है नहीं पता आपको क्योंकि आप अर्थशास्त्री हो, आपको भी नहीं पता होगा, एवरेज नहीं होगा, आप डॉक्टर रवि सर आपको भी नहीं पता होगा रुपए का अवमूल्यन। वो विमुद्रीकरण है ना, हम काय की बात कर रहे हैं, वो डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण और हम क्या पढ़ रहे हैं डिवेल्युएशन अवमूल्यन है। आप टीचर शिक्षक है ना, सारी चीजों की जरूरत बेरोजगार लोगों को पड़ती है, ऐसे कामकाजी लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। कुछ भी पढ़ना लिखना हो तो किसको पढ़ना होता है, बेरोजगार लोगों को पढ़ना होता है। अब जब लग गए अपन काम धंधे से तो अब हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। भारत में यही तो होता है, भारत में यही होता है, जो जिस प्रोफेशन में जाता है ना, जिस प्रोफेशन में जाता है तब तक ही सीखता है जब तक वो गेट ओपन नहीं हो जाता। एक बार एंटर कर लिए तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमें ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है और पेमेंट की जरूरत है, और पेमेंट नहीं मिला तो बढ़ाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत है, अपने आप में सुधार करने की जरूरत नहीं। इसलिए भारत आज भी भारत, यदि हर व्यक्ति यहाँ का जागरूक होता, अपने आप में सुधार करने के बारे में सोचता कि कल मैं ऐसा था आज ऐसा रहूँगा परसों दिन ऐसा हो जाऊँगा, दिन प्रतिदिन अपने व्यवहार में आचरण में सुधार लाने की कोशिश करे तो आदमी अच्छा बन जाता है, नहीं तो जैसे थे वैसे है। परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, सबको सीखना चाहिए। तो विमुद्रीकरण मतलब किसी भी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम करना, अन्य देशों की जो मुद्राएं हैं उसकी तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करना, ये डिवेल्युएशन अवमूल्यन कहलाता है। अब कब कब किया गया, 3 बार हुआ है अभी तक, 1949 1966 और 1991 में 3 बार भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। और क्या उद्देश्य है इसका, आयातों को हतोत्साहित करना, निर्यातों को प्रोत्साहित करना, बस शॉर्ट, इससे बड़ा कुछ नहीं। आयातों को हतोत्साहित करना, निर्यातों को प्रोत्साहित करना। लेकिन ये क्या होते हैं, जो अवमूल्यन होता है वो दोधारी तलवार होता है। दोधारी तलवार क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, आप यहां आते हो हर दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दोधारी तलवार मतलब ये ऐसी तलवार है, एक तरफ धार होगी तो अपन जिसको मारेंगे उसी को लगेगी, दोनों तरफ धार हो और उसने ऐसा धक्का दिया तो अपने को भी लग सकती है ना। तो दोधारी तलवार का मतलब ये है कि लाभ के साथ साथ नुकसान होने की भी संभावना इसमें होती है, लाभ के साथ साथ नुकसान होने की भी संभावना इसमें होती है।
यदि हमने अवमूल्यन किया और दूसरे देश ने क्या लगा दिया, क्या बताया, प्रशुल्क, सीमा शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये कुछ लगा दिया, तो फिर हमारे निर्यात कम हो जाएंगे। कीमत तो कम हो गई थी, अब निर्यात भी कम हो जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। पहले क्या हम 20 रुपए किलो आलू बेच रहे थे, 20 रुपए किलो आलू बेच रहे थे, तब हमें थोड़ा सा फायदा हो रहा था। अब हमने क्या सोचा, लेकिन कम बिक रही थी, अब हमने क्या सोचा 15 रुपए किलो बेच देते हैं और पहले से 3 गुना ज्यादा बेचेंगे, पहले से 3 गुना ज्यादा बेचेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हुआ उल्टा, एक तो कीमत भी कम हो गई, बिक भी पहले जितना ही रहा, तो फिर नुकसान हो गया हमारा, 15 रुपए मिल रहे पहले 20 रुपए मिल रहे थे। तो ये दूधारी तलवार की तरह होता है। दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इससे हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है और अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में हमारे देश की मुद्रा कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाती है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, ये पढ़ा था अपन, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता SS तारापुर समिति की अनुशंसा पर 1993-94 में चालू खाते में मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया। भुगतान संतुलन की 2 मते बताए थे मैंने आपको, बताया था बाकी किसी को नहीं। भुगतान संतुलन की 2 मुख्य मते, आयात, ये क्या हो गया, आयात निर्यात में सुधार। मैंने बोला खाना खाया क्या, तो आपने बोला मैं डॉक्टर के पास से आया हूँ, ये कहीं से कहीं तक कोई दुख नहीं है। हाँ कविता जी, नहीं पता, कल तो बताया मैंने, कल नहीं आए थे, ये सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फिर भी नहीं पता, अब बुरा लगा, अब बुरा लगा, अब बुरा लगा। हाँ प्रिया, अरे चालू खाते की और पूंजी खाते, 2 मते बताए थे, चालू खाते की और पूंजी खाते की। चालू खाते जो मतलब उसी वित्तीय वर्ष के जो लेन देन है वो चालू खाते की मत, पूंजीगत खाते की मत वो दूसरे, जिसमें लंबी अवधि के लिए लेन देन होते हैं, जिसमें हमारी देनदारी बढ़ जाती है, लेनदारी बढ़ जाती है, किसी को उधार दे दिया हमने तो हमारी लेनदारी बढ़ गई, अब हमें उसे 10-15 साल तक धीरे धीरे ब्याज सहित लेते रहना, किसी से उधार ले लिया तो हमारी देनदारी बढ़ गई क्योंकि अब हमें बहुत सालों तक उसे चुकाना रहेगा। तो ऐसे जो जो फंड होते हैं, जो लेन देन होते हैं, जो लंबी अवधि तक चलते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पूंजीगत खाते की मद। इसमें ऋण आता है, विदेशी ब्याज का भुगतान आता है, ये सारी चीजें, या बड़ी बड़ी मशीनें किस्तों में क्रय कर लेना, ये सब क्या पूंजीगत खाते की मद। चालू खाते की मद मतलब वस्तु है, ये लो और पैसे दो, ये चालू खाते की मद। व्यापार जितना भी है वो सब चालू खाते की मदों के अंतर्गत आता है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव, ये भी पढ़ा पढ़ने का, 1991 की नई औद्योगिक नीति, क्या किया था इस प्रस्ताव में योगेश जी, उदारीकरण विस्तारण, नहीं ये तो आर्थिक सुधार है, इसमें से एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव था, तो उसमें लाइसेंस से मुक्ति, आरक्षण से मुक्ति, सरकारी उपक्रमों को प्रतिस्पर्धी बनाना, क्या नवरत्न महारत्न मिनी रत्न वाला दर्जा देना, ये सब पढ़ा। देखो हम क्वेश्चन को ऐसे याद करें कि कहीं से भी पूछे तो हम उसका उत्तर निकाल सके, ऐसा नहीं कि 4 लाइन हमने रट के रखी है बस, A to Z उसी ढांचे में यदि फिट होगा तो बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, ऐसे पढ़ाई किसी काम की नहीं, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा कभी क्वेश्चन नहीं बनता, उससे तर्क लगा के हमें उत्तर, सही उत्तर निकालना पड़ता है। हर एग्जाम MPPSC जैसा नहीं होता कि सस्ता सा सरल सा 5 साल आपत्ति में लग जाए, पता ही नहीं चले कि हम फेल हुए या पास हुए। ऐसे भी एग्जाम होते हैं कि 2 महीने के अंदर सब कुछ निष्कर्ष निकाल के एक आदमी अपने घर में किताबें टटोल रहा होता है और एक आदमी नौकरी पे लग के 50,000 रुपये महीना कमा रहा होता है 2 महीने, ऐसे भी एग्जाम होता है। तो फिर
कैसे काम चलेगा ऐसे में? यदि हम आज पढ़ा वाला सोचेंगे कि 2 महीने बाद दीपावली के बाद होली के बाद पढ़ेंगे, ऐसे में काम नहीं चलेगा, तुरंत पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव क्लियर एकदम रिविजन करा दिया, क्या क्या परिवर्तन किए गए इसमें, आरक्षण से मुक्ति, पहले एक सूची जारी की गई 18 उद्योग रखे गए, फिर धीरे धीरे उसे कम कर दिया, अभी वर्तमान में 5 उद्योग है जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। फिर आरक्षण से मुक्ति, ये लाइसेंस से मुक्ति था, और फिर आरक्षण से मुक्ति कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो उद्योग आरक्षित थे उनके लिए भी धीरे धीरे संख्या कम की गई, वर्तमान में केवल 2 उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। फिर क्या पढ़ा अपन ने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना, इनको प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नवरत्न, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न जैसी कंपनियों का दर्जा दिया गया। फेरा की जगह फीमा को लागू किया, MRTP एक्ट को समाप्त कर CCI के गठन की बात की गई। ये औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1991। फिर आयात निर्यात नीति में कुछ परिवर्तन किए गए, आयात निर्यात नीति। अब दिनेश कुमार जी आप बताओ आयात क्या कहते हैं? दूसरे देश से अपने देश में। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि तुम समझदार हो, कई लोगों को ये भी पता नहीं रहता है ना, आप समझदार हो बस लापरवाह हो, पढ़ते नहीं हो, मतलब ऐसा लग, आप उन किस्मत वाले लोगों में से हो जो अपनी किस्मत पे भरोसा करते हो, उन किस्मत वाले लोगों में से हो जो अपनी किस्मत में ही ज्यादा भरोसा करते हो। तो किस्मत पे भरोसा नहीं करना, चाहे ईश्वर हो, किस्मत हो, ये सब कुछ इंसान की बनाई हुई चीजें, ये सब को इंसान ने बनाया है, चाहे किस्मत हो या जिसके आराधना करते हो। सर फिर भगवान एक ही नहीं, भगवान एक ही नहीं, फिर मैंने भूल दिया, सब कुछ इंसान ने बनाया है, सब कुछ इंसान ने बनाया है, सिर्फ यहां पर है कुछ तो प्रकृति, नेचर, उसने बनाया है, उसकी क्रियाओं के अंतर्गत ये सब कुछ आता है, बाकी कुछ नहीं। मंदिर हमने बनाया, मस्जिद हमने बनाया, चर्च हमने बनाया, उसमें कौन से भगवान को बैठा रहा है ये हमने बैठा ला, इंसान ने बनाया, मूर्तियां कारीगर बनाता है, सब कुछ इंसान बनाता है, सब कुछ इंसान बनाता है, किस्मत भी इंसान ही बनाता है अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से, और जो दूसरों के ऊपर भरोसा करके काम करते रहते हैं वो जैसे कि वैसे बन देते हैं। तो भाई अपने ऊपर भरोसा करे, पढ़े रहे, पढ़ते रहे, पढ़े नहीं रहे, पढ़ते रहे, नहीं तो बस दूसरों के ऊपर भरोसा करके पढ़े रहोगे, ऐसा मत करना, ठीक है? तो आयात निर्यात, आयात मतलब अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दूसरे देश से, दूसरी जगह से मंगाना, और निर्यात यदि हमारे पास में कोई एक्सेस है, चाहे वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है, सेवाएं हो सकती है, जो भी, तो उसका यदि हम निर्यात कर दूसरे देशों को बेच रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? निर्यात। और इसके लिए आयात निर्यात नीति भी होती है, सरकार घोषणा करती है इसकी। अब आयात निर्यात से संबंधित कुछ सिद्धांत है, जैसे एक सिद्धांत है निरपेक्ष लागत सिद्धांत, निरपेक्ष लागत सिद्धांत, निरपेक्ष लागत सिद्धांत, निरपेक्ष लागत सिद्धांत। अब मान के चलो भारत और ब्रिटेन दो देश, एग्जांपल दे रहा हूं, भारत और ब्रिटेन। भारत कपड़ा बनाता है, ये भी कपड़ा बनाता है, भारत जूते बनाता है, ये भी जूते बनाता है। ये भारत कपड़े की एक यूनिट, चाहे वो बंडल हो सकता है, मीटर हो सकता है, या बैग हो सकता है, कोई भी एक यूनिट 200 रुपए में बनाता है, और ये 300 रुपए में बनाता है, 300 रुपए में बनाता है, ये एक यूनिट
300 रुपए में बना रहा है और ये 250 रुपए में बना रहा है। तो निरपेक्ष लागत अब भारत को 200 रुपए में और वो 300 रुपए में, ठीक, और ये 300 रुपए में, ये 200 रुपए में, तो इसकी लागत ज्यादा आ रही है ना भारत में बनाने की लागत ज्यादा आ रही है। हम हमारे यहाँ बनाते 300 रुपए में बनेगा और वहां से खरीदते हैं तो 250 रुपए में मिल जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अब हम हमारे यहाँ कपड़ा 200 रुपए में बढ़ रहा है और ब्रिटेन में 300 रुपए में, तो ब्रिटेन क्या चाहेगा कि भारत अपने देश में ना बनाए और भारत से बना बनाए कपड़ा आयात कर ले, क्योंकि वो कम कीमत में बन रहा है, ठीक। और भारत जो है जूते नहीं बनाएगा, तो भारत क्या सिर्फ कपड़े का उत्पादन करेगा, उसे निर्यात करेगा। ब्रिटेन जूते का उत्पादन करेगा और भारत को निर्यात करेगा। तो ये निरपेक्ष लागत सिद्धांत, एक वस्तु की लागत ज्यादा है दूसरे वस्तु की कम है, दूसरे देश में सेम उल्टा हो रहा है, तो हम इस निरपेक्ष लागत के कारण व्यापार होता है, ये पहला सिद्धांत। और ये दिया था एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ एकदम सरल सा सिद्धांत था और यही होता भी है। हम लोग सोयाबीन का उत्पादन क्यों ज्यादा करते हैं, ज्वार का नहीं करते, चावल का नहीं करते, हमें पता है कि सोयाबीन की कीमत ज्यादा होती है, इसको बेच देंगे और इसके बदले में ज्वार या बाजरा या गेहूं जो है वो खरीद लेंगे, सीधी सी बात है। ये है निरपेक्ष लागत सिद्धांत। अब दूसरा है तुलनात्मक लागत सिद्धांत, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। और ये दिया था डेविड रिकार्डो ने, डेविड रिकार्डो तुलनात्मक लागत सिद्धांत, डेविड रिकार्डो तुलनात्मक लागत सिद्धांत। इसमें भी दो ही देश है, भारत और इंग्लैंड, दो वस्तुएं हैं, कपड़ा और दूसरा है जूते। अब ये 200 रुपए में बना रहा है, ये 300 रुपए में बना रहा है, ठीक, और ये 250 रुपए में बना रहा है और ये 300 रुपए में बना रहा है, ठीक। अब यहां पे क्या है, ये दोनों वस्तुएं कम कीमत पे बना रहा है और वो दोनों वस्तुएं ज्यादा कीमत, अब इस बीच में तो व्यापार होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए क्या, नहीं। लेकिन आप देखो तुलनात्मक लागत सिद्धांत, यहां पर भारत को कितने रुपए का अंतर है, 100 रुपए, यहां पर कितने रुपए का, 50 रुपए, यहां पर कितने का है, 50 रुपए का, और यहां पर 100 रुपए का है। तो भारत को कपड़ा बनाने में ज्यादा फायदा है, ज्यादा फायदा है। तो ये देखेंगे कि दोनों कम कीमत में बना रहे हैं लेकिन उसे फायदा ज्यादा किस कीमत देश में, किस वस्तु के उत्पादन में ज्यादा है। तो अब हम मान के चलो कि गेहूं का भी उत्पादन करते हैं, चने का भी उत्पादन करते हैं, गेहूं बोएंगे तो हमें इतना फायदा होगा, चने बोएंगे तो इतना फायदा होगा, तो हम क्या बोएंगे, जिसमें ज्यादा फायदा होगा, जबकि दोनों में फायदा ही है। फिर भी उसी प्रकार ब्रिटेन सोचेगा, भाई नुकसान तो मुझे दोनों में है, लेकिन ऐसे कौन सी वस्तु का मैं अपने यहाँ उत्पादन करूं और कौन सी वस्तु का आयात करूं कि मुझे कम से कम नुकसान हो, भाई नुकसान भी तो कम करना चाहिए। तो ऐसे इसमें इसको क्या बोलते हैं, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तुलनात्मक रूप से एक देश को फायदा कायम ज्यादा है और तुलनात्मक रूप से एक देश को नुकसान किसमें कम है। तो इस सिद्धांत के आधार पर भी व्यापार करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। एक होता है आधुनिक व्यापार सिद्धांत, आधुनिक व्यापार सिद्धांत, ये हेबरलर ने दिया था, हेबरलर
अब इसने बोला कि भाई ये अब हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करना कि हम किसका व्यापार करें और किसका व्यापार नहीं करें, एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है बाजार शक्तियों पर। कल आपको बताया था बाजार शक्तियां कौन सी? क्रेता और क्रेता और मांग और पूर्ति। आप कितने में बना रहे हो, क्रेता को क्या फर्क पड़ रहा है? उसको यदि पसंद आए तो खरीदेगा, नहीं पसंद आए तो नहीं खरीदेगा। अब हमें थोड़ी मालूम है आपको कितनी लागत आई है उसको बनाने में, क्लियर हो गया एकदम। अब यहाँ तो जिसमें कोई लागत नहीं आती है, ऐसी चीजें भी जब नई नई चलन में आती है तो बहुत खरीदते हैं लोग, और जब वो चलन से बाहर हो जाती है, आम चीज हो जाती है, तो फिर कोई उसे खरीदता ही नहीं। तो ये आधुनिक मतलब व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक लागत सिद्धांत किसने दिया? हेबरलर के द्वारा। तो ये पूरे के पूरे परिवर्तन किए थे हमने उदारीकरण के अंतर्गत। उदारीकरण कल यही छोड़ा था हमने, उदारीकरण पढ़ रहे थे। उदारीकरण से आशय क्या है? अर्थव्यवस्था पर लगाए जाने वाले भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में छूट देने से है, ताकि हमारे व्यापार में वृद्धि हो सके। और इसके लिए क्या क्या किया हमने? रुपए का अवमूल्यन किया, रुपए की चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता, औद्योगिक नीति प्रस्ताव, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, मतलब फेरा की जगह फेमा लागू किया गया, विदेशी निवेश व विदेशी प्रौद्योगिकी विनियमों में सुधार, मतलब FDI वगैरह, उसके बाद में आयात निर्यात नीति में सुधार। आयात निर्यात नीति में सुधार, तो आयात निर्यात नीति बता दिया मैंने, तीन प्रकार के सिद्धांत इसमें दिए। अब हम बात करते हैं निजीकरण, आज जो हमें पढ़ना है निजीकरण। दूसरा आधार स्तंभ जो 1991 में आर्थिक सुधार किए गए थे, उसका दूसरा आधार स्तंभ, पहला तो उदारीकरण था और दूसरा क्या था? निजीकरण। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन। अर्थात अब यहां पे दो क्वेश्चन है, दो शब्द, ठीक है, निवेश ये बहुत बार बताते रहता हूं मैं, और दूसरा होता है विनिवेश, इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट। हाँ जी विजय आप बताइए, डिस इन्वेस्टमेंट क्या है, विनिवेश क्या है? विनिवेश समझ में आया? समझ लो निजीकरण समझ में आप, हाँ जी नहीं विनिवेश जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिकरण, हाँ अभी शुरू हुआ है, अंतिम जो बिंदु है वो प्राप्त नहीं हुआ, और वही उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हाँ आपने हाँ में गर्दन हिलाई थी, तो क्या बोलना चाहती थी? निवेश का उल्टा विनिवेश, पहले इतना समझो निवेश, अरे इंग्लिश में तो ऐसे ही समझ में आ रहा था, डिस तो उल्टा होता है इसका मतलब, इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट मतलब उत्पादन कार्य में पैसा लगाना, और डिस इन्वेस्ट मतलब है उत्पादन कार्य में लगा हुआ पैसा वापस ले लेना। अब एक किसान था, खेती करता था, उसके सोयाबीन वगैरह फूट हुई 2-3 साल, उसके बाद पैसा जमा हुआ, उसने सोचा था देखो
अब जमीन तो मिल नहीं रही है तो क्या करते हैं, थ्रेसर ले लेते हैं। उसने थ्रेसर ले लिया तो क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया। अब वो दो चार साल चलाया उसने, लेकिन आलस शरीरस्थ मार्ग, शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन, हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, हमारा आलस्य। तो उस आलस्य के कारण आप कौन काम करेगा, क्या वो बेच डाले। अब उसने वो पैसे मशीन बेच डाले, जो पैसे लगाए थे वापस ले लिए, तो ये क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट मतलब उत्पादन कार्य में पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट उत्पादन कार्य में लगा हुआ पैसा वापस ले। जैसे हमने शेयर खरीदे वो इन्वेस्ट हुआ, अब उसको बेच दिया आपने, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर, मतलब बैंक में पैसे जमा करना क्या है, क्या है, इन्वेस्टमेंट। नहीं आए फिर समझ में, भाई बैंक में पैसा जमा करना है इन्वेस्टमेंट नहीं, भाई इन्वेस्ट वह होता है जहां पर उसमें वृद्धि होती है, बैंक में पैसा कभी बढ़ता नहीं। तो जैसे मूवीज में इन्वेस्टर्स होते हैं वैसे, बिल्कुल काइंड है, जैसे मूवीज में बनाने के लिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इन्वेस्ट है। कहीं पे भी जहां पर हमें लाभ की संभावना से हम काम करते हैं तो वो क्या है, इन्वेस्ट। बैंक में हम पैसा रखते हैं, लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर ब्याज मिलता है, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि डिवैल्यूएशन पड़ा ना, तो डिवैल्यूएशन हो जाता है मुद्रा का, अवमूल्यन हो जाता है। तब तक यदि हमने 100,000 रुपए बैंक में जमा किया और उसने बोला कि हम 8 साल में 2,00,000 देंगे, आप सोना खरीदने के लिए जाना, उस समय जितना आया था 8 साल बाद उससे 2,00,000 में उससे कम है। भाई कभी भी बैंक पैसा बढ़ाकर नहीं, कभी नहीं। यदि बैंक यदि हमें पैसा बढ़ाकर देने लग जाए तो फिर उनका बिजनेस कैसे चलेगा, फिर उनको लाभ कैसे होता है। भाई बैंक हम कुछ समय के लिए हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं जब तक हमें कोई काम ना हो। बैंक तो बने ताकि हम वहां से उधार लेके कोई बड़ा काम करे, भले उससे 4 गुना पैसे दे दें हम बैंक वालों को, लेकिन इधर 25 गुना उससे कम मिले, इसलिए होता है। लेकिन हम बैंकों की परिभाषा को गलत लेके चलते हैं, हम क्या सोचते हैं, बैंक जो है वो पैसा बढ़ाने का काम करता है। ये दो आदमी एक साथ रिटायर होते हैं, एक आदमी पूरा पैसा अपना बैंक में जमा कर देता है और एक आदमी उससे बिजनेस कर लेता है, बिजनेस करता है। तो बैंक में जिसने जमा किया था उसके पास उतने ही पैसे रहते हैं, और जो इन्वेस्ट कर लेता है और कुछ बिजनेस शुरू कर देता है, 7 पीढ़ियों तक वो चलते रहते हैं बैंक वाले के पास में नहीं। ये जिस तो कभी भी बैंक के ऊपर भाई ये हमें पैसा बढ़ा के देंगे, इसलिए कभी बैंक में निवेश नहीं, बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए। बचत करने के लिए हम बैंक में अकाउंट खुलवाएं, पैसा उसमें जमा करें बचतों के लिए, ताकि जैसे ही एक थोड़ा बहुत भी अमाउंट हो गया तो उसको दूसरी जगह कहीं हम इन्वेस्ट कर सकें। नहीं तो लोग बाग उसी को सोचते हैं बैंक का ही माई बाप है, तो वो गलत धारणा है। तो निवेश समझ में आया, इन्वेस्टमेंट उत्पादन कार्य में धन को लगाना, डिस इन्वेस्टमेंट उत्पादन कार्य में लगा हुआ धन वापस ले। अब हम निजीकरण की बात करते हैं। निजीकरण मतलब उपक्रम जो है दो प्रकार के होंगे, या तो सरकार का होगा या फिर किसी व्यक्ति का होगा। अब 1956 की औद्योगिक नीति पढ़ा अपन ने, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सार्वजनिक क्षेत्र को स्पष्ट परिभाषित किया गया और उसका विस्तार किया गया कि जो भी कंपनियां होगी वो सरकारी होगी। हर क्षेत्र में शक्कर का कारखाना सरकारी, कपड़े की मिल सरकारी, कागज का कारखाना सरकारी, रेलवे बनाने का कारखाना सरकारी, मोटर वाहन बनाने का कारखाना सरकारी, सब कुछ सरकार का था, आम आदमी के हाथ पर बंधे हुए थे। क्या करें, 1991 में क्या हुआ, निजीकरण। ये जितने भी सरकारी कारखाने हैं ये बीमार हो गए, बीमार हुए हैं। दिनेश को बताया क्या होता है, बीमार किसे कहते हैं, देखो मुस्कुराएगा। हाँ। सर जैसे कि काम न करना, काम न करना,
देखो एक दिन क्लास अटेंड नहीं करने से कितना असर पड़ता है, बीमार हो इनको नहीं पता। हाँ कविता जी आपको पता है, आपने क्लास अटेंड तो की है लेकिन अटेंड नहीं की है। क्लास तो अटेंड की है लेकिन अटेंड नहीं किया आपने, है ना हेमलता जी? सर वो कंपनी घाटे में चल रही है। वो कंपनियां जो लगातार घाटे में चल रही है उसे क्या कहते हैं, बीमार हो। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र के जितने कारखाने थे वो सब क्या, जैसे भोपाल में ऑप्टेल करके कंपनी थी, बहुत से लोग उसमें सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे, उसको निजी कर दिया और वहाँ के कर्मचारियों को रिटायर कर दिया है, दूसरे इसमें कहीं पर शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे ढेर सारी कंपनियां उसको क्या, जो सरकारी क्षेत्र में थी, सरकार का पैसा लगा हुआ था, सरकार ने अपना पैसा वापस ले लिया या निजी क्षेत्र को बेच दिया। तो निजीकरण को हम दो रूपों में समझ सकते हैं, या तो सरकार जो है सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय कर देती है। क्लियर? पहली परिभाषा कितनी सरल एकदम, सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय कर देना, या उपक्रम में लगी हुई पूंजी का विनिवेश कर देना, विनिवेश कर देना, ये क्या कहलाता है, निजीकरण। जब कोई व्यक्ति या कोई निजी व्यक्ति सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी बनता है, सरकारी संपत्ति का स्वामी बन जाता है, तो उसे निजीकरण कहते हैं। अब जैसे रेलवे, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बंसल ग्रुप एंड कंपनी, हुआ निजीकरण, हुआ निजीकरण। बैतूल में प्लेटफॉर्म टिकट कितने का लेते हैं, 10 रुपीज का, मेरे हिसाब से 10 रुपए है ना। और भोपाल में जाते हैं वहां भी पंचायत, मेरे ख्याल से ऐसा बोलते 50 रुपए मिलता है, कितने का, 50 रुपए। निजीकरण, ये क्या है, निजीकरण। बात क्लियर हो गई? निजीकरण में या तो सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय होता है, या सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर देती है, या सरकार उसमें लगी हुई पूंजी को वापस ले लेती है। जैसे कोई बैंक है, अब जैसे आरबीआई की बात करें, तो पहले निजी शेयर होल्डरों का बैंक था, निजीकरण था उसमें। फिर 1949 में सरकार ने क्या किया, पूरे शेयर खरीद लिए और पूरा अब वो क्या हो गया, सरकारी हो गया। ठीक, उसी प्रकार 1964 में आईडीबीआई की स्थापना हुई, वो सरकारी क्षेत्र में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या कर दिया, उसका विनिवेश कर दिया, पूरा निजी क्षेत्र के हाथों दे दिया। क्लियर की बात है, लिखेंगे निजीकरण के बारे में, दो तीन लाइन लिखते थे समझ में आ गया। निजीकरण से आशय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो, या फिर तृतीय क्षेत्र, किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेने से होता है, अर्थात जब सरकार सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय करती है, तो उसे निजीकरण कहा जाता है, निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है
जिसमें जिसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामी बन जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामी बन जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा निजीकरण क्या है। ठीक, अब क्या कदम उठाए इसके लिए, सरकार ने क्या प्रयास किए, तो औद्योगिक नीति में हमने सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी एक एक पॉइंट नोट करेंगे। तो सबसे पहले तो आरक्षण से मुक्ति, आरक्षण से मुक्ति। कविता जी क्या होता है आरक्षण से मुक्ति? जैसे सरकार के द्वारा हाँ जो आरक्षण दिया जाता है वो मतलब वो हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है, किसको दिया जाता है आरक्षण? आरक्षण किसको दिया जाता है बोली? हाँ आप तो बताएंगे प्रिय, कल पढ़ा था इसके ऊपर, बड़ी चर्चा हुई, विजया से क्वेश्चन पूछा था। हाँ बताइए सर। वो जो सरकार के मतलब सरकारी क्षेत्र में होते हैं उसको निजी क्षेत्र में बदलते हैं। पर इतनी सी बात थी, सरकार वो आरक्षण की बात नहीं कर रहे जिस जहाँ पर हमारे डायरेक्ट चोट होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उद्योग 1948 में देखा अपन ने, 1956 में देखा, 1980 में देखा कि कुछ उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब सरकार ही स्थापित कर सकती थी, निजी क्षेत्र में वो उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते थे। अब क्या किया, इससे मुक्ति कर दी, दो उद्योगों को छोड़कर, दो उद्योगों को छोड़कर बाकी सारे उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए ओपन कर दिया गया। पढ़ा, जैसे इन्होंने डाकघर का उदाहरण दिया था, मैंने बोला मधुर कुरियर तो है, डाक भेजने का काम तो प्राइवेट ज्यादा होता है, सरकारी डाक तो बहुत ही कम जाती है ना, वैसे ही दूसरे माध्यमों से भेजे जाते हैं, अभी तो बहुत कम हो गया, अब सब मेल और ईयर होने लग गया। नहीं तो जब हम आप लोगों की तरह संघर्ष करते थे ना, फॉर्म भरते थे तो एक एक दिन में 10-10 जगह फॉर्म भरना पड़ता था, और पूरे फोटोकॉपी, बस फोटोकॉपी क्या कर रहे हैं, फोटोकॉपी लगे हुए, फोटोकॉपी करने के लिए 10-10 सेट करते थे इकट्ठे, जितने डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं 10-10 सेट इकट्ठे कर लेते थे, फिर योगेश जैसे आदमी को पकड़ना पड़ता था, क्यों, भारी भरकम नहीं, अटेस्टेड करने के लिए, अटेस्टेड भी करवाना पड़ता था, वो बिना अटेस्टेड किए हुए फॉर्म जमा ही नहीं होते थे, लेते ही नहीं थे, फेंक देते थे, ये बड़े परेशानी वाले काम थे, ये सब करना पड़ता था। तो अब क्या किया, इन सारे चीजों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, ये आरक्षण से मुक्ति, अब कोई भी उद्योग किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। क्लियर हो गया, अपन ने पढ़ा था उसमें आरक्षण से मुक्ति, दो उद्योगों को छोड़कर, पहले तीन थे अब कितने हो गए, दो। फिर शेयरों का अपनिवेश या विनिवेश, शेयरों का विनिवेश, अब ये क्या चीज है, शेयरों का विनिवेश, शेयर बेच देना जी, शेयर बेच देना, कितने शेयर के, शेयर शेयर, अच्छा शेयर बोल रहे हैं क्या होता है ये, शेयर मार्केट वाला मुझे नहीं पता, अब तो हम जिस कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं उसमें बताओ शेयर क्या चीज है, जो पढ़ रहे हैं अब वहां बताओ शेयर क्या चीज है, हाँ अर्जुन, शेयर, शेयर बेचते हैं सरकार की हिस्सेदारी बेचते हैं, हिस्सेदारी यही तो शेयर है ना, हिस्सेदारी भाई इतना सा पता होना चाहिए, शेयर मीन्स हिस्सेदारी, शेयर में। अब एक माता पिता दंपत्ति, उसके तीन बेटे हैं, 10 एकड़ जमीन है, तो एक बेटे का कितना शेयर है उसमें, आधा ही हो है? क्यों, बाकी लोग बेवकूफ है क्या जो आधा दे देंगे,
सबका बराबर बराबर होगा, कितना शेयर होगा? एक बटे पांच। कितना होगा? एक बटे पांच। माता पिता दो और तीन बेटे, टोटल कितने? पांच हिस्से है उसके, पांच। तो एक व्यक्ति का कितना हो गया? एक बटे पांच। अब यदि वो बेचना चाह रहा है, मतलब नहीं लेना चाह रहा है, मतलब बेच रहा है, किसी दूसरे को दे रहा है, तो अब सरकार ने क्या किया? अपने जो शेयर थे, जैसे कोई कंपनी है नाबार्ड या ऐसी कोई कंपनी है, उसके शेयर उसने दूसरे को दे दिए, आरबीआई को दे दिए, इधर उधर सब करना शुरू कर, क्लियर है? तब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया। बस हम निरीक्षण करेंगे और टैक्स वसूल करेंगे तुमसे, हमारा कोई शेयर नहीं है, लाभ हुआ तो तुम्हारा, हानि हुई तो तुम्हारी, क्लियर एकदम? शेयरों का विनिवेश। फिर एक रुग्ण इकाइयों को बेचा जाना, अब यह फिर दिक्कत आ गया, रुग्ण इकाइयों को बेचा जाना। नीलू महाराष्ट्र देखा है आपने? कहाँ गए थे महाराष्ट्र? भरूड़ गए थे, मुझे पता था, और मैं वही भेजना भी चाह रहा था, नहीं गए होते तो अभी भेज देता मैं, काहे के लिए नहीं? गुड, बहुत ही सही जगह पर पहुंचे, बरूल में उसके अलावा कुछ देखने लायक चीज भी नहीं है। अब बताओ, उस अस्पताल में गए होंगे कि घर गए थे? अस्पताल में क्या लिखा था उसके ऊपर? रुग्णालय, रुग्णालय लिखा था, है ना? रुग्णालय का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल, नहीं तो बीमार व्यक्तियों का निवास, क्या बीमार लोग रहते हैं? रुग्णालय, रुग्ण यानी बीमार। तो ऐसी इकाइयां जो लगातार घाटे में चल रही थी, रुग्ण यानी बीमार, बीमारू यानी बता दिया घाटे में चलने वाली, और रुग्ण यानी क्या होता है? बीमार। तो घाटे में चल रही इकाइयों को बेचा, ये एक प्रयास किया कि जो 10 साल से 15 साल से लगातार घाटे में चल रही है, तो क्या करो, इसको कोई निजी क्षेत्र में इसको बेच दो, नीलामी करवा दी। समझौता ज्ञापन, समझौता ज्ञापन, समझौता ज्ञापन, मेमो भरवा लेते। जैसे अब ये पहले क्या होता था, जो बिल्डिंग वगैरह बनती थी ना, बिल्डिंग वगैरह बनती थी, तो फिर सरकारी कोई एजेंसी होती थी और वही उसे बनाती थी, बोलते थे इतना भ्रष्टाचार हो गया, उतना भ्रष्टाचार हो गया, है? अब क्या कर देते हैं, मेमो बन जाता है, समझौता ज्ञापन होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, बॉन्ड भरवा लेते हैं और वो काम कर देता है, गारंटी देता है कि इतने साल तक ये चलेगा। तो ऐसा हुए, अब सरकार के काम भी ठेके पर किए जाने लगे, तो सरकार का काम सिर्फ उसका निरीक्षण करना है, अच्छा हो रहा है या नहीं, कितने मजदूर लग रहे हैं, क्या करना है, ये सब वो ठेकेदार जाने, क्लियर हो गया ना? समझौता ज्ञापन। फिर नवरत्न महारत्न कंपनियों की स्थापना, नवरत्न महारत्न कंपनियों की स्थापना, कितनी है अभी महारत्न कंपनी कितनी? 11, 12, 12 NSE, ठीक है? थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मिनी रत्न, मिनी रत्न, और इसमें दो है, वन और टू, दूसरा कौन सा होगा? नौ रत्न, और तीसरा कौन सा होगा? महारत्न, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मिनी रत्न वन की बात कर रहे हैं, 1997 में घोषणा हुई, विगत तीन वर्षों में लगातार लाभ प्राप्त किया हो, और औसत लाभ
औसत लाभ 30 करोड़ रुपए से ऊपर, 30 करोड़ रुपए से ऊपर। अब इनको छूट क्या दी गई है भाई? अभी इसको मिनी नवरत्न वन, मिनी रत्न वन का दर्जा मिल गया। किस कंपनी को मिलेगा? जितने लगातार 3 वर्षों तक लाभ प्राप्त किया हो और औसत लाभ 30 करोड़ रुपए से ऊपर। तो इसके लिए क्या है, निवेश के लिए छूट में देखेंगे, निवेश के लिए 500 करोड़ रुपए या 50% के बराबर, जो भी कम, अपनी हिस्सेदारी के बराबर या जो भी कम, सरकार की मंजूरी के बगैर खर्च कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं मिनी रत्न वन के लिए। और कितनी कंपनियां हैं इसमें, मिनी रत्न वन में लगभग 52 है मेरे पास जो आंकड़ा है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकती है, इसको एक बार नेट पे चेक कर ले। नई नई कंपनी को दर्जा मिलते रहता है, फिर यही कंपनी मिनी रत्न टू में चल जाएगी, नवरत्न में चल जाएगी, महारत्न में चल जाएगी, तो कम भी होते रहते। अब दूसरा लिखेंगे मिनी रत्न टू, मिनी रत्न टू। तो ये भी इसी समय दर्जा मिला इसे 1997 में। वे उद्यम, अब किसे कहते हैं मिनी रत्न टू, वे उद्यम जिन्होंने लगातार लाभ कमाए हो जिनका शुद्ध मूल्य सकारात्मक है। ये क्या होता है कि शुद्ध मूल्य, नेटवर्थ सकारात्मक। अमर जी सर, जो मतलब कि जो उनका लाभ रहता पूरा सब कुछ निकाला, उसे शुद्ध मूल्य क्या? कुछ बोल रहे रवि सर? लागत को निकाल करके जो मुनाफा, नहीं वो तो आ गया, 3 वर्षों तक लगातार लाभ कमाया हो, लगातार लाभ कमाया हो है? लाभ तो वही होगा, शुद्ध लाभ की बात कर रहे हैं हम, सारी लागत वगैरह कटौतियां घटाने के बाद, टैक्स वगैरह चुकाने के बाद में भी वो प्लस में रही वो कंपनी, ठीक। फिर क्या, शुद्ध मूल्य नेटवर्थ जो है प्लस में रहा हो, इसका मतलब ये, कभी कभी हम अखबार में पढ़ते हैं कि ये जो कंपनी है लगातार फायदे में रही है, फिर भी इसकी जो नेट वैल्यू है इतनी पिछले साल से कम है। कारण क्या है उसका? उसका जो शेयर होता है वो कम हो जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। तो फायदे में चलने के बावजूद उस कंपनी का नेटवर्थ क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है, पिछले वर्ष की तुलना में कम हो जाता है। क्लियर बोल रहे जी? शेयर मार्केट, शेयरों, उनके जो शेयर होते हैं उनकी कीमत बढ़ भी सकती है, घाटे में चलने के बाद में भी शेयरों की कीमत बढ़ जाए से दूसरे लाभ हो जाता है, और फायदे में चलने के बाद में भी शेयरों की कीमत कम हो जाती है तो उसे क्या हो जाता है, उसकी कुल वैल्यू कम हो जाती है। तो दोनों चीजें, एक तो लाभ भी होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी कम नहीं होना चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए, उसे मिनी रत्न। अब मिनी रत्न टू जो है, पहले मिनी रत्न टू आएगा फिर मिनी रत्न वन आएगा। मिनी रत्न टू में ये नहीं बोला कि इतना ही लाभ कमाना है, थोड़ा बहुत भी लाभ कमा लिया तो काम चल जाएगा, लगातार लाभ कमाते रहो, मिनी रत्न का दर्जा तुम्हें दे देंगे। अब इनको छूट कितनी दी गई है, 300 करोड़ रुपए तक या
300 करोड़ रुपए तक या अपनी परिसंपत्ति का 50% तक निवेश करने की छूट दी गई, निवेश करने की छूट दी गई। इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी 50 करोड़ तक, नहीं कि 50% तक अपने नेटवर्थ का 50% तक, 300 करोड़ या उसकी जो कुल संपत्ति है उसका 50%। इसके अंतर्गत 16 कंपनियां, मिनी रत्न के अंतर्गत 16 कंपनियां, जैसे HTML, सॉरी HTML नहीं, HMT। अब नवरत्न कंपनियों की बात करेंगे, नवरत्न कंपनी, इनको भी 1997 में दर्जा दिया गया। अब कोई भी कंपनी नवरत्न का दर्जा कैसे प्राप्त करेगी, इसके लिए पहली शर्त क्या है, मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो। तो कोई भी कंपनी को डायरेक्ट नवरत्न या महारत्न नहीं बना सकते, सबसे पहले क्या होना चाहिए उसके पास, मिनी रत्न का दर्जा होना चाहिए। लिखेंगे पहले मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, दूसरे नंबर में पिछले 5 वर्षों के दौरान पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी को न्यूनतम 3 उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हो, क्लियर है ना, 3 बार उसको अच्छी रैंक मिली हो 5 वर्षों के दौरान। और तीसरा पॉइंट, पिछले तीन वर्षों के दौरान 6 दक्षता मानकों पर 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया, उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। 6 मानक कौन कौन से हैं, अब ये भी देखना पड़ेगा। पहले तो ये देखो, नवरत्न कंपनी कब दर्जा दिया गया, 1997 में पहली बार। क्या किसको दिया जाता है, सबसे पहले तो मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो। अब मिनी रत्न से ये समझ में आ जाएगा कि ये लगातार 3 वर्षों तक फायदे में चल रही है, नेटवर्थ इसकी पॉजिटिव है, ये सब पता चल गया। अब कुछ पर्यावरण का भी देखिए, भी ये कुछ फर्जी तरीके से काम तो नहीं कर रही है। तो इसमें क्या, पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी को न्यूनतम 3 उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हो, मतलब कुछ नया किया है किसी भी क्षेत्र में। 3 वर्षों के दौरान 6 दक्षता मानक और उसमें 100 में से 60 के उत्कृष्टता या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। अभी दक्षता मानक कौन से है, नंबर 1 शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ, पहला मानक क्या है, शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ, शुद्ध मूल्य मतलब मूल्य यानी होता है लागत, शुद्ध मूल्य मतलब सारे प्रकार की लागतें, और शुद्ध लाभ
कि सब प्रकार के टैक्स वगैरह देने के बाद लाभ प्राप्त होना चाहिए, ठीक। शुद्ध मूल्य पर कुल लाभ, शुद्ध मूल्य पर कुल लाभ, कुल लाभ। टर्नओवर पर सकल लाभ, तीसरा टर्नओवर पर सकल लाभ। चौथा नियोजित पूंजी पर सकल मार्जिन, नियोजित पूंजी पर, नियोजित पूंजी पर सकल मार्जिन। पांचवा उत्पादन पर, उत्पादन पर मानव श्रम लाभ, उत्पादन पर मानव श्रम लाभ। अब उत्पादन हो रहा है सब कुछ, तो श्रमिकों को फायदा ही नहीं हो रहा, तो कोई मतलब है क्या उसका? नहीं, वो भी एक दिया है कि इस कंपनी में कितने श्रमिक कार्यरत है और उनको कितना लाभ हो रहा है। प्रति शेयर आय, लास्ट प्रति शेयर आय। अब ये सब होने के बाद नवरत्न का दर्जा मिल गया कंपनी को। अब नवरत्न का दर्जा मिल गया तो फिर क्या चाहिए उसे? छूट। क्या कर सकती है? अब यदि जैसे पहले ताम्र पत्र मिलते थे, है ना, कोई अच्छा काम कर लेते तो ताम्र पत्र मिलते, अब उस पत्र का क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे? अब जैसे आप लोग कोई कोई प्रोग्राम में इधर उधर भाग ले रहे, उसको सर्टिफिकेट मिल गए, सर्टिफिकेट मिलते जा रहे, पहली बार मिला तो बड़ी खुशी हुई, स्टेटस भी लगाया दो चार लोगों को, बताया भी, है ना, दूसरी बार भी मिला तब भी वही, फिर अब हर तीसरे चौथे दिन वो प्रमाण पत्र मिल रहे, तो सोच में आ गया, है ना, इतने सारे हो गए, अब इसका क्या करोगे, क्या करो? कागज जो होते हैं ना ऐसे, वो रद्दी में बीत भी जाते हैं, अब वो खड्डे के रहते, किसी काम के भी नहीं रहते, बड़ी दिक्कत हो जाती है उनका कि क्या करेंगे। तो भाई आप ये उसका कुछ लाभ तो हो, यदि आपको बोला जाए कि जितने प्रमाण पत्र होंगे उसका एक एक अंक आपको किसी भी एग्जाम में बेनिफिट दिया जाएगा, तो वो काम के, अगर कहीं कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता तो कोई मतलब है क्या उसका? अब मिनी नवरत्न का दर्जा दे दे, अब कोई फायदा ही नहीं मिले तो फिर कंपनी क्या करेगी, वो नवरत्न का दर्जा लेगा, तो उसको क्या फायदा हो रहा है उसका? तो उसको कुछ छूट दी जा रही है, क्या? 1,000 करोड़ या अपनी संपत्ति का 1,000 करोड़ रुपए या अपनी परिसंपत्ति का 15% निवेश कर सकते, निवेश कर सकती है। अब संपत्ति और परिसंपत्ति कुछ अंतर है? हम दिन बता सकते हैं, संपत्ति मतलब जो हमारी संपत्ति है, धन जो है हमारे पास, जमीन जायदाद, कंपनी, मशीनें, ये सब, ये बैंक बैलेंस, ये सब संपत्ति है। परिसंपत्ति मतलब सबसे जितना हमने इन्वेस्ट किया है, चाहे हम अपने पास की संपत्ति लगाई हो या बाहर से शेयरों के माध्यम से हमने लाई, वो जितना भी उसमें इन्वेस्ट हुआ है वो कहलाती है परिसंपत्ति। क्लियर? संपत्ति जिसका मालिक, जिसके स्वामी हम है, जो हमने हमारे पास से लगी है, और परिसंपत्ति मतलब सब तरीके का। क्लियर? तो क्या 1,000 करोड़ रुपए आप अपनी परिसंपत्ति का 15% तक निवेश करने की छूट? अब इतना निवेश करना है तो सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं। और इसके अंतर्गत कितनी कंपनियां हैं वर्तमान में? लगभग बोल रहा हूँ, उसे चेक कर लेना, 14 कंपनियां। कितनी? 14। पहले 17 कंपनियां थी, फिर कुछ कंपनियों को महारत्न का दर्जा दे दिया, तो इसमें कितनी बची है अभी? 14। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इस्पात लिमिटेड, भारत इस्पात लिमिटेड,
अभी पढ़ेंगे ना एमपीबी, निजीकरण हो गया उसका तो अब कहाँ आएगा वो। अब देखेंगे हम महारत्न कंपनियां, महारत्न कंपनी, अब किसे देते हैं महारत्न का दर्जा? तो महारत्न कंपनी का, तो पहली शर्त है नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो, नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो। दूसरी शर्त क्या होगी? यहां एक नई शर्त लग जाती है, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो। भारतीय शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार में क्या अंतर है? और एक ही है, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मुझे धीरे धीरे अंतर पता चला, अलग लगने लग गया भारतीय और राष्ट्रीय। राष्ट्रीय शेयर बाजार मतलब एनएससी, वो पर्टिकुलर एक है, और भारत में जितने भी शेयर बाजार है वो सब भारतीय शेयर बाजार, चाहे बीएससी हो, एनएससी हो, ये सब है ना, जो 24 स्टॉक एक्सचेंज है वो सब भारतीय शेयर बाजार है, उसमें से एक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार। अब अंतर है समझिए, राष्ट्रीय मतलब उस पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं, और भारतीय मतलब बाजार में, भारत में जितने भी शेयर बाजार है, ठीक। तो ये कायम है भारतीय, भारत किसी भी शेयर बाजार में वो कंपनी पंजीकृत होना चाहिए। तीसरी विशेष शर्त इसकी, पिछले 3 वर्षों में औसतन, पिछले 3 वर्षों में औसतन सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। एक और, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसतन सालाना शुद्ध लाभ 15,000 करोड़ रुपए, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसतन सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए हो, अब लास्ट पॉइंट, औसतन सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़, औसतन सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए हो। बड़ा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं समझने के लिए, 3 अंक तो पता चल गए, 25, 15 और 5। पहली 2 शर्तें तो बड़ी सरल है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो। फिर क्या, 3 वर्षों में औसतन सालाना कारोबार टर्नओवर जिसे कितना हो, 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। फिर दूसरी शर्त, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसतन सालाना परिसंपत्ति कितनी हो, 15,000 करोड़, और औसतन सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़। अब मिल गया महारत्न का दर्जा, खुश। अब क्या छूट,
भारत का दर्जा मिल गया तो क्या कर सकती है ये कंपनी। तो 1000 से 5000 रुपए, 5000 करोड़ रुपए तक या अपनी संपत्ति का 15% तक निवेश करने की छूट, निवेश करने की छूट। और कितनी कंपनियों को? 12 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। हम एक सूची की सूची आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसमें देख लेना किस कंपनी को, वीडियो भी डाल दूंगा, वीडियो बना हुआ है मेरे पास में, उसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो देख लेना। अब ये क्या पढ़ा अपन ने? निजीकरण। निजीकरण, निजीकरण के अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ा? आरक्षण से मुक्ति। दूसरा क्या पढ़ा? शेयरों का विनिवेश। तीसरा रुग्ण इकाइयों को बेचा जाना, समझौता ज्ञापन, और फिर नवरत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनियों का दर्जा। अब क्यों दिया गया, उद्देश्य क्या थे, निजीकरण के उद्देश्य क्या थे, तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे। निजीकरण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं हमारे निजीकरण के उद्देश्य? सर, सरकार का काम जैसे कि उद्योग स्थापित करने की जगह उसका देख रेख करना है, तो वो अब उद्योग की जगह लिखेंगे। उद्देश्य प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाना। अब जैसे जो टीचर है, सरकारी टीचर, सरकारी टीचर, इसका वेतन किस आधार पर होता है, नियुक्ति के आधार पर, जिस पद पर नियुक्ति होगी उसके अनुसार वेतन, चाहे वो शहर में रहे या गांव के किसी स्कूल में पढ़ाए, वेतन होता है। बच्चे 100 हो तो भी उतना वेतन, 10 हो तो भी उतना ही वेतन। तो इसलिए शिक्षक क्या चाहता है, वहां पढ़ाए जहां पर बच्चे कम, वहां पढ़ाए जहां पर बच्चे कम। अब यदि ये बोल दिया जाता कि शिक्षक का वेतन जो है जितने बच्चों को पढ़ाएगा उसके आधार पर होगा, नियुक्ति के आधार पर नहीं। अब वो शिक्षक जितने बच्चों को पढ़ाएगा उस आधार पर उसको वेतन देंगे, 10 बच्चों को पढ़ाएगा तो 1000 रुपए देंगे, 200 बच्चों को पढ़ाएगा तो 2,00,000 रुपए देंगे। ऐसा यदि वेतन हो जाए तो फिर क्या होगा, सारे बच्चे, सारे टीचर चाहेंगे कि पूरे भारत के बच्चे उसी के पास में आए और वही पढ़ाते सबको, होगा नहीं प्रतिस्पर्धा। या ये कर दे कि भाई वेतन हम 3 साल का आकलन करेंगे और 3 साल के अंदर उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों में जितने टॉपर रहेंगे, जितने मतलब 80% से ज्यादा, यदि 3 साल के अंदर 90 बच्चे हैं तो 90,000 रुपए उसका वेतन, 70 बच्चे हैं तो 70,000 रुपए वेतन, 50 बच्चों को उसने किया तो 50,000 रुपए वेतन। तो टीचर लोग क्या करेंगे, उत्कृष्ट स्कूल में भर्ती करो हमारे, क्यों, बच्चों को तो पहले ही छांट लेते हो, अच्छे वाले वहां भेज देते हो और गधे गधे बच्चे हमारे यहाँ छोड़ देते हो, तो इनका परसेंट कैसे बना सकते हैं। यदि परसेंट देखना ही है तो हमें उत्कृष्ट में भेजो और उन लोगों को एक बार गांव में भेजो, पता चल जाएगा कौन कितना अच्छा पढ़ाता है, होगा ना ऐसा। तो ये इसमें यही हुआ भाई, सब लोग सरकारी कंपनी चल रही है घाटे में, जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो जा रहा है और देख रहा है कि सबसे ज्यादा हवा कहाँ लग रही है, वहां जाके टिफिन निकाल रहा है, खा रहा है, सो रहा है। अच्छा, जैसे 5 बजे उठा, चलो अब घर चलते हैं, ऐसे काम होते हैं। तो फिर ये इसमें कुछ प्रतियोगिता नहीं, कंपटीशन नहीं है, कुछ नया करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए घाटे में चल रही थी। तो अब ये बोल दिया कि भाई ये दर्जे देंगे तो अब इससे क्या होगा, उस कर्मचारियों को फायदा होगा, छूट मिलेगी उनको, तो
तो प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना। दूसरा है बजटीय घाटे की पूर्ति के लिए, बजटीय घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन, आवश्यक संसाधन। अब बजटीय घाटा, बजट क्या होता है, बजट क्या होता है विजय, सरकार की आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा, सरकार की आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा। अनुमानित क्या बोलते हैं प्रिया, सर पिछले एक वर्ष आने वाले वर्ष का और पिछले वर्ष का अनुमान, पिछले वर्ष का अनुमान क्यों लगाएंगे, पिछले वर्ष का तो जो है वो है अनुमान, तो आगे वाले वर्ष का बजट जो होता है भविष्य की प्लानिंग कि अगले वित्त वर्ष में हम इन इन चीजों से इतनी आय प्राप्त करेंगे और यहाँ यहाँ इतना खर्च करेंगे, ये प्रस्तावित योजना होती है, इसलिए उसे अनुमानित बोला जाता है ना, क्योंकि अगले वर्ष के लिए बनाई जाती है। पिछले वर्ष जो किया था वो तो अनुमान होता ही नहीं है, वो तो वास्तविक आंकड़े होते हैं, भाई इतना रखा था, इतना खर्च हुआ, इतनी आय प्राप्त हुई। अब सरकार क्या करती है, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक नहीं, आय से अधिक व्यय करती है कि आय के आंकड़े हैं, आय जो है प्राप्त करने की उन्होंने संभावना व्यक्त की 70 रुपए और खर्च करने का सोचा उन्होंने 100 रुपए, वो घाटा दिख रहा है ना वहां 30 रुपए का। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, सरकारी संपत्ति को बेचेंगे, दो ही उपाय हो सकते हैं, ऋण लेंगे हम दूसरों से, है ना। अब मैं, मेरा जो है बजट सही नहीं है, कमाता कम हूँ, खर्च ज्यादा करता हूँ, आप लोगों को तो पता है, है ना, एक उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसे ही सोचोगे मेरे बारे में, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब क्या किया मैंने, पहले अमरदीप से उधार लिया, इनसे उधार लिया, इनसे उधार लिया, इनसे उधार लिया, इनसे इनसे सबसे उधार ले लिए, अब कहीं मुंह दिखाने लायक बचा ही नहीं कि किसी से मांग सकूं। अब आप लोग मांगने वाले आ रहे हैं मेरे पास में उधार, भाई हमने दिए थे आपको वापस कर दो, अब हम कहाँ से वापस करेंगे, अच्छा वापस नहीं कर सकते, अब दूसरे से ले भी नहीं सकते, कोई बचा ही नहीं जिससे हम उधार ले सकें, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या सामान पड़ा है, क्या क्या सामान पड़ा है, फिर इंडियन रेलवे क्यों लो, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको बेचना शुरू करेंगे। क्लियर हो गई ना बात, तो क्या बजटीय घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन, भाई अभी बजट में इतना घाटा कि हम कमा तो कुछ नहीं रहे हैं, दिवाली पे प्लान 10,000 का कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो हमारे बाप दादा पुरखों की संपत्ति है उसको क्या करना पड़ेगा, विनिवेश करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट, बजटीय घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन। तीसरा है देशी उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, देशी उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अब क्या सरकार के नियंत्रण में उद्योग थे ना, अब सरकार की कार्यप्रणाली में जो कर्मचारियों में लाल फीताशाही चलती है, लाल फीताशाही चलती है, फाइल एक, ये दो अधिकारी है, एक ये है और एक मैं हूं, लेकिन यहां से फाइल यहां जाने में वजन लगता है, क्या लगता है, वजन लगता है, यहां से फाइल यहां नहीं जाएगी, इनसे पूछोगे तो पता नहीं बोलेंगे कहाँ है, है? और वो फाइल यहाँ रखी रहेगी, ये मेरे से मांगेंगे नहीं, मैं इनको दूंगा नहीं, क्योंकि भाई पूरा का पूरा एप्पल इनको थोड़ी खाने देंगे, पूरा का पूरा एप्पल इनको खाने नहीं देंगे, मिल बांट के खाने चाहिए ना। तो इसमें लाल फीताशाही हो रही है, इसलिए हमारी कंपनी सिर्फ इस देश की होके रह गई है, टेक्नोलॉजी में सुधार नहीं हो रहा, कुछ नहीं, हमारे यहाँ की कंपनियों की विदेश इंटरनेशनल मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, वे कंपनियों को छूट दी जाए ताकि वो अपने स्तर पर अपने लिए कुछ कर सके, तो इसके लिए उनका निजीकरण करना बहुत जरूरी है। अगला लिखेंगे उद्योगों के निष्पादन क्षमता में सुधार,
निष्पादन क्षमता में सुधार। अब क्या है, नगर पालिका में एक ट्रैक्टर होता है, एक ही ड्राइवर होता है, और ड्राइवर 8 घंटे की ड्यूटी करता है, 8 घंटे की ड्यूटी करता है। और ऐसे नहीं कि 8 घंटे सिर्फ ड्यूटी करता है, उस 8 घंटे में ही वो लंच भी करता है, सब कुछ वो 8 घंटे में ही है, तो फिर काम कैसे चलेगा? उस क्षमता का पूरा विकास हुआ क्या ट्रैक्टर का? नहीं। यदि यही निजी क्षेत्र में होता, एक व्यक्ति ठेका ले लेता, ट्रैक्टर तो एक ही रहता, 3 ड्राइवर रख लेता और बारी बारी से उसको चलाते जाता, बोलता लंच घर से करके आना, यहाँ सिर्फ काम करने के पैसे देता हूँ, मैं खाना खाने के पैसे नहीं देता, और बोलता कि इतनी ट्रिप लगना ही चाहिए, और नहीं लगी जैसे वो उनको पता है, रवि सर को रविवार के भी पैसे कट जाते हैं बेचारे सर के, इसलिए तो सर है, वो भी बेचारे रविवार के भी पैसे कट जाते हैं, वो छुट्टी के भी पैसे कट जाते हैं, 11 बजे यदि थम नहीं लगा, 11:05 पे लगा तो उस दिन की अपसेंट लग जाती है, निजी क्षेत्र है ना, कार्य क्षमता में वृद्धि तो होगी। तो क्या लिखा, उद्योगों के निष्पादन क्षमता में सुधार। निष्पादन मतलब उत्पादन की क्षमता, उसमें सुधार हो, पहले जितना उत्पादन हो रहा था उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना, औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना। पहले क्या, उद्योग सरकारी घाटे में चल रहे, बोनस नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, तो जो मजदूर थे वो हड़तालें करते थे, हमारी मांगे पूरी करो, वेतन बढ़ाओ, इंक्रीमेंट लगाओ, ये वो मांगे वो करते रहते। लेकिन अब क्या है, निजी कर दिया, निजी करने से क्या हुआ, काम करो पैसे, फालतू तो बातें मत करो, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, काम ही खत्म हो गया, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको पता है जब मैंने काम ही नहीं किया तो पैसा काहे का, ये सरकारी दामाद तो हूँ नहीं मैं, या तो निजी क्षेत्र में हूँ, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ये मजदूर खुद ही जानते हैं, तो फिर वहाँ ऐसा कोई विवाद और इसका सवाल ही नहीं उठता। अगला लिखेंगे, संसाधनों का पूर्ण कुशलता के साथ, पूर्ण कुशलता के साथ उचित दोहन। संसाधनों का पूर्ण कुशलता के साथ उचित दोहन। क्लियर हो गया, निजीकरण क्या है, क्या उपाय किए गए, किन उद्देश्यों के लिए किए गए। अब एक क्वेश्चन बनता है, निजीकरण के लाभ लिखिए, निजीकरण की हानियां लिखिए, तो हम तीनों का एक साथ में लिखेंगे, चाहे वैश्वीकरण का हो, उदारीकरण का हो, या फिर निजीकरण। अब अगला हम परिभाषित कर लेते हैं इसको, वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। मैं 2012 से मेंस दे रहा था, हर साल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे उदार, आप पुराने पेपर उठा के देख लो, सॉल्ट पेपर, तो आपको हर साल ये क्वेश्चन दिखेंगे, हर साल ये क्वेश्चन पूछे गए, और अभी भी आते हैं, इसी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण, अर्जुन सिंह वैश्वीकरण, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ मिला देना, और फिर वैश्वीकरण मतलब जो पहले बंद थी ना अर्थव्यवस्था, विभिन्न देशों ने प्रतिबंध लगा के रखे कि इससे व्यापार नहीं करना, उससे व्यापार नहीं करना, यहाँ से वस्तुएं नहीं आएगी, यहाँ से जाने नहीं देगी, ये जितने भी प्रतिबंध थे। उदारीकरण में एक देश के लिए था, एक देश अपने स्तर पर क्या कर सकता है, और वैश्वीकरण में क्या था, सारे देशों के लिए। सामान्य रूप से वैश्वीकरण से आशय, सामान्य रूप से वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व को एक
सत्ता के रूप में मानने से है, एक सत्ता के रूप में मानने से है। इसमें सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि विश्व के वित्तीय व तकनीकी संसाधनों का आदान प्रदान कुशलतापूर्वक होता है। अब क्या उपाय किए गए इसके लिए, ये देखेंगे। प्रतियोगिता, सबसे पहला प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए क्या किया अपन ने देखा, निजीकरण किया, नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न का दर्जा, ये सारा दिया गया। दूसरा बाजार का उदारीकरण, उदारीकरण में क्या किया, जितनी भी जो शर्तें वगैरह थोप रहे थे प्रशुल्क से संबंधित जो नीतियां थी उन सबको हटा दिया, बाजार का उदारीकरण। तीसरा तकनीकी का निर्बाध प्रवाह, वस्तुओं व सेवाओं का निर्बाध प्रवाह। निर्बाध मतलब बिना बाधा के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी शर्तों के, जिसको व्यापार, जिस देश से व्यापार करना है वो कर सकते। बौद्धिक संपदा का निर्बाध प्रवाह, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये टॉपिक में अलग से पढ़ा दीजिए। हाँ, इसको पढ़ेंगे अपन, बौद्धिक संपदा को, इससे संबंधित संस्थान जो है उसको भी हम पढ़ेंगे। अब अगला हेडिंग डालेंगे, वे कारक जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। हेडिंग वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले घटक या कारक, किन किन चीजों से वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे पहला है तो दूरसंचार तकनीक व मीडिया, दूरसंचार तकनीक व मीडिया के माध्यम से। दूसरा मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव पढ़ने देखा, पढ़ा भी, फॉरेन एक्सचेंज रेट। यदि फॉरेन एक्सचेंज रेट में कभी परिवर्तन ही ना, मान के चलो शेयर का एक उदाहरण देखते हैं, शेयरों की कीमत हमेशा बढ़ती रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मार्केट ठप होगा, क्योंकि कोई भी बेचेगा ही नहीं, सब शेयर खरीदते चल जाएंगे। फिर शेयरों की क्या होना चाहिए, खरीदी और बिक्री।
शेयर मार्केट में काम तब होता है जब उसमें उतार चढ़ाव हो, कभी घटे कभी बढ़े, कभी घटे कभी बढ़े। तो ये मुद्रा बाजार में भी उतार चढ़ाव होना चाहिए, तभी तो लोग व्यापार करेंगे, नहीं तो व्यापार नहीं करेंगे। तो ये एक वैश्वीकरण के लिए महत्वपूर्ण घटक है, मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव। अगला है अनुसंधान व विकासात्मक कार्यों में तीव्र वृद्धि। विकासात्मक कार्य बिजली पहुंचाना है, गांव गांव में पहुंचाना है, दूर संचार की व्यवस्था हर घर तक पहुंचाना है, सारे ये विकासात्मक कार्य, सड़क होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए, गांव में होना चाहिए। और इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है, तो टेक्नोलॉजी का भी विकास होता है, अनुसंधान होता है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जाएगी। जिस चीज की हम आवश्यकता महसूस करते हैं उसके बारे में हम कहीं से जुगाड़ लगा ही लेते हैं। यदि हमें आवश्यकता ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी। अगला लिखेंगे पूंजी वस्तुओं व सेवाओं के संचालन हेतु काल्पनिक बाधाओं को हटाना। काल्पनिक बाधाओं को हटा। अब देखो जैसे अपने संस्थान की बात करें, काल्पनिक बाधाएं और वास्तविक बाधाएं। अब कोई बैतूल में ही रह रहा है और वो बोल रहे हैं, कल मैसेज डाला था ना किसी ने, साया में नहीं और साया साकरे करके नाम था, हाँ साकरे, किसने ऐड किया मुझे? उसको ये भी नहीं पता कि कोचिंग कहाँ लगती है, 2 महीने बाद, क्योंकि अभी महीने डेढ़ महीने से तो हमने किसी को ऐड किया नहीं, कितने पहले ऐड हुई है, और अभी तक उसको ये नहीं मालूम कि संस्थान कहाँ पर है। बोला बैतूल में, तो बोले मेरे घर से तो बड़ा दूर पड़ेगा, मतलब वो बैतूल में ही रहती है, दूर पड़ेगा। ये क्या है? काल्पनिक बात है, वास्तविक बात है। अरे भाई मैं अमेरिका में थोड़ी बुला रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए, यहाँ इतना किराया लगेगा कि उसके पास में होगा नहीं, ऐसा कुछ किया था मैंने? यहाँ एक वन दूसरा वन, तीसरा वन, चौथा वन, पांचवा वन, सातवें वन में जंगल में बुला रहा हूँ, जहाँ बीच में सांप बिच्छू मच्छर मगरमच्छ सब बीच में उसका शिकार करने के लिए बैठे हुए, जहाँ जाना मुश्किल हो, ऐसा कुछ किया था? सिर्फ एक काल्पनिक बात है, हमारे दिमाग की उपज है। कौन जाएगा? एक तो ये हो गया, कुछ लोग ऑनलाइन भी, अरे सुबह 7 बजे पढ़ने का टाइम होता है, सुबह 7 बजे तो सोने का टाइम रहता है, है ना? 2 बजे तक तो मैं फेसबुक ही देखता हूँ, उसके बाद भी नींद नहीं आती तो फिर थोड़े बहुत व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, भाई फेसबुक देखते देखते किसी ने व्हाट्सएप कर लिया हो तो, अब आधे घंटे व्हाट्सएप देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि फिर इतने बीच में कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट आ गई हो, फिर एक बार अंतिम फाइनल टच फेसबुक को देता हूँ तो 3:30-4 बज जाते हैं, फिर मैं कैसे उठूंगा 7 बजे? अब सर को भी पढ़ाना ही है, इतना भूत चढ़ा है पढ़ाने का, तो हम सब 2-3 बजे दिन में पढ़ाना चाहिए। अब ये क्या है? ये काल्पनिक बाधाएं हैं, जैसे ढेर सारी बाधाएं रहती है हमारे मन में, ऐसे व्यापार में भी रास्ता ही ना हो वो बात अलग है, उस देश से हमारे संबंध एकदम युद्ध वाले हो तो बात अलग है, नहीं तो व्यापार करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हमने काल्पनिक ढेर सारे प्रतिबंध लगा के रखे हैं, ये जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, तो फिर ऐसे प्रतिबंधों को हटा दिया तो फिर व्यापार अपने आप होना शुरू हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा। अब हमने ढेर सारे छोटे छोटे संगठन नाफ्टा साफ्टा ये बना के रखे हैं, अब बोलते हैं इन्हीं देशों से व्यापार करेंगे बाकी कहीं नहीं करेंगे, फिर वैश्वीकरण होगा क्या? नहीं, फिर तो क्षेत्रीयता आ जाएगी,
यूरोपीय देश बोलेंगे कि नहीं हमारी एक ही मुद्रा है, सादा मुद्रा बाजार है, तो हम अपने देशों में आयात निर्यात करेंगे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया को छोड़ देंगे, तो फिर वैश्वीकरण कभी हो सकता है नहीं। ये तो काल्पनिक आपने प्रतिबंध लगाए। अगला लिखेंगे निवेश का संचार विश्व के कोने कोने में होना। निवेश का संचार विश्व के कोने कोने में होना। लास्ट लिखेंगे बड़ी कंपनियों द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया का विनिर्माण प्रक्रिया का प्रसार। ठीक है, अब लाभ और हानियां लिख लेते हैं। पूरे एलपीजी की लिखते हैं, जल्दी लिखेंगे, दो और दो चार मिनट हो जाएंगे। लाभ लिखेंगे, ये वैश्वीकरण के भी है, उदारीकरण के भी है और निजीकरण के भी, जिसमें पूछे उसमें लिखेंगे। नवीन तकनीक का आगमन, नवीन तकनीक का आगमन। अगला विदेशी व्यापार में वृद्धि, विदेशी व्यापार में वृद्धि। तीसरा विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर कीमतों में कमी, सॉरी कीमतों में समानता, विश्व स्तर पर कीमतों में समानता। पूरी दुनिया में वस्तुओं की कीमतें कैसी हो गई, अब एक जैसी हो गई वैश्वीकरण के कारण। विदेशों में रोजगार के अवसर, विदेशों में रोजगार के अवसर। विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि, क्या होता है विदेशी मुद्रा कोष, प्रिया बताए विदेशी मुद्रा कोष को। गुड, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मत समझ लेना, हर देश के पास में होता है ये कि जो जिन देशों से व्यापार कर रहा है उसकी मुद्रा कितनी उसके पास में है। जब विदेशों से व्यापार ही नहीं करेंगे तो विदेशी मुद्रा भी नहीं होगी, यदि विदेशों से व्यापार करेंगे तो ढेर सारे विदेशी मुद्रा भंडार उस देश के पास में होगा। उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, और लास्ट लिखेंगे महिलाओं की स्थिति में सुधार। महिलाओं की स्थिति में सुधार। क्लियर एकदम, वैश्वीकरण के निजीकरण के लाभ। अब हम पढ़ेंगे इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या है। तो नंबर एक आर्थिक असंतुलन, आर्थिक असंतुलन। आर्थिक असंतुलन में देखें तो अमीरी गरीबी, ये देखो। और मैंने अक्सर देखा है जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, हर चीज टाइम टेबल फिक्स है उनका, ऐसा नहीं कि खाना